मैं काल का को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। लेकर फिर हाजिर है साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले बात सप्ताह के मुख्य त्योहारों की। 20 तारीख को प्रदोष व्रत रहेगा, 21 तारीख को नरसिम्हा जयंती है, 23 तारीख को कूर्मा जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जा रही है। उसी के साथ साथ 24 तारीख को ज्येष्ठ मास विघ्न हो जाएगा और जेठ के मंगल जरूर हनुमान जी की पूजा करते रहिएगा। अब आगे संकष्टी चतुर्थी संडे को 26 मई को पड़ेगी। अब आपका राशिफल मेष से लेके मीन तक, उसका हालचाल बताते हैं। और वीडियो अगर शेयर नहीं करते तो कर दीजिएगा। सबसे पहले बात मेष लग्न और मेष राशि वालों का। पॉजिटिव रहेंगे नौकरी व्यापार में, ऑफिस में कोई खास कार्यक्रम में भाग लेंगे, बिजनेस में मुनाफे के योग है, ऑफिस में नाम शोहरत पड़ेगी, आर्थिक स्थिति बेहतर है, कारोबार की संबंधी यात्रा में धन लाभ की संभावनाएं हैं। दांपत्य जीवन, पारिवारिक जीवन की बात करें, किसी मेंबर से बहस हो सकती है, बहस को टालने की कोशिश करिए। स्वास्थ्य के मामलों में, सेहत के मामलों में इस सप्ताह अच्छा दिखता है। शुभ तारीख 20 और 21 रहेगी। उपाय, शिव चालीसा का पाठ करें, भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों की। ऑफिस में स्थिति बेहतर रहेगी, नाम पद बढ़ेगा, व्यापार में वृद्धि के संकेत हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति, वर्षों से फंसा हुआ धन वापस मिलेगा, आमदनी बढ़ने के प्रयास सफल होंगे। दांपत्य पारिवारिक जीवन, शिक्षा के क्षेत्र में पूरे प्रयास करने पर सफलता मिलेगी, पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान देना होगा। शुभ तारीख 20, 22, 23, 24 है। उपाय, शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों की। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, आलस की वजह से बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, नौकरी में परेशानी आने की संभावना दिखती है, आर्थिक स्थिति की बात करें बेहद शुभ रहेगा, ऑनलाइन संबंधित कामों में लाभ होगा, दांपत्य पारिवारिक जीवन विद्यार्थियों के लिए बहुत बेहतर, शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर होंगी, किसी बात को लेकर परिवार में अनबन रह सकती है, स्वास्थ्य के मामलों में स्वास्थ्य सही रहेगा, माता की सेहत को लेकर मन परेशान रहेगा। शुभ तारीख 22 और 23 रहेगी। उपाय, माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकले, भाग्य को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। बात कर लेते हैं कर्क लग्न, कर्क राशि वालों की। सबसे पहले बात नौकरी व्यापार की। मेहनत और परिश्रम के बल पर जबरदस्त सफलता हासिल करेंगे, कोई बड़ा परिणाम आपके पक्ष में आएगा, शुरुआत में प्रमोशन या नौकरी में तरक्की की संभावना है, समाज सेवा से जुड़े लोग, राजनीति से जुड़े लोगों को सम्मानित किया जाएगा, आर्थिक स्थिति की बात करें मामलों में धीरे धीरे प्रगति रहेगी, भौतिक सुख संसाधनों पर अच्छा पैसा खर्च होगा, नवीन संपत्ति खरीदने के योग बनते हैं, आर्थिक पक्ष मजबूत, जमा पूंजी धन में वृद्धि के संकेत है। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन की बात करें, मध्य में परिवार के मध्य में किसी बात को लेकर झगड़ा होने की संभावना है, पति पत्नी के बीच भी अनबन हो सकती है, स्वास्थ्य, घुटनों का दर्द निश्चित तौर पर परेशान करेगा। शुभ तारीख 20 और 21। उपाय, गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। बात कर लेते हैं सिंह लग्न, सिंह राशि वालों की। जॉब वालों के लिए बहुत लाभदायक सप्ताह है, व्यापार में साझेदारी से किए गए कार्यों में लाभ मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत, अचानक से उपहार मिलेगा जो खुशी को दुगना कर देगा, नवीन संपत्ति में लाभ के संकेत है, दांपत्य पारिवारिक जीवन, घर में किसी मेहमान के आने से माहौल अच्छा रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उत्तम रहने वाला है, कोर्ट कचहरी के मामले में फैसला आपके पक्ष में आएगा, स्वास्थ्य के मामलों में कुछ दिक्कत रह सकती है। शुभ तारीख 21 और 23। उपाय, पीपल की जड़ में जल दे, भाग्य को मिलते हैं 10 में 8 अंक। बात कर लेते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की। किसी भी सूरत में जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय ना ले, सरकारी कामों को करने से पहले किसी व्यक्ति की सलाह ले ले, उसी के साथ साथ सत्ता सरकार से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति की बात करें सप्ताह अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और धन की आमदनी थोड़ी कम हो सकती, खर्चे बढ़ सकते हैं उसके एवरेज में, सप्ताह के मध्य में इन्वेस्टमेंट करने के पहले सोच लीजिएगा। दांपत्य और पारिवारिक जीवन की बात करें, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ स्थिति बेहतर रहेगी, किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे, स्वास्थ्य के मामलों में सेहत का ध्यान दीजिएगा। शुभ तारीख 22, 23, 24 रहेगी। उपाय, विष्णु जी के समक्ष घी का दीपक चढ़ाएं, भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं तुला लग्न, तुला राशि वालों की। कार्य क्षेत्र में जो लोग प्रमोशन की चाह में थे उन्हें जल्द प्रमोशन मिल सकता है, आर्थिक स्थिति यह सप्ताह निवेश करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, जिस जगह पैसा लगाएंगे दुगना रिटर्न लौटेगा, दांपत्य जीवन, छात्रों को लेकर अपनी शिक्षा के लेकर बहुत परेशानियां करनी होगी, शादीशुदा लोगों को रिश्तों में खुशियों की कमी महसूस होगी, स्वास्थ्य के मामलों में सेहत अच्छी दिखती है। शुभ तारीख 23 और 25। उपाय, चींटियों को आटा डालें,
भाग को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों की। करियर की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी में तरक्की मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति की बात करें, निवेश करने से पहले सोच लें या किसी की राय ले लें, पैसों को लेकर स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे रह सकती है। दाम्पत्य जीवन, संतान की ओर से अच्छी खबर मिलेगी। मंथ के मध्य में छात्रों को पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में सेहत बिगड़ सकती है। शुभ तारीख 25 और 26। उपाय, धरती माता को प्रणाम करें, लाल रंग के वस्त्र गरीबों में बांटते हैं। भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। बात कर लेते हैं धनु लग्न धनु राशि वालों की। सुख सौभाग्य सफलता के द्वार खुलेंगे। लंबे समय से अटके कार्य पूर्ण होंगे। ऑफिस में किसी के वाद विवाद में पड़ने से बचें। सरकारी दस्तावेजों पर साइन करने से पहले जांच पड़ताल कर लें। आर्थिक स्थिति की बात करें, पुरानी चिंताओं से छुटकारा मिलेगा। आखिर किसी को पैसा दे रखा है, वापस मिलेगा, उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट में लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की सेहत परेशान कर सकती है। ससुराल पक्ष से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पिताजी की सेहत परेशान करेगी। शुभ तारीख 21 और 25। उपाय, सूर्यदेव को जल दें, भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। अब बात कर लेते हैं मकर लग्न मकर राशि वालों की। कार्य क्षेत्र पर अधिकारियों के साथ लेकर मनमुटाव हो सकता है। आर्थिक स्थिति धन लाभ के लिए अच्छा, कारोबारी या प्राणी लाभदायक रहेगी। घर के लिए कोई बड़ा सामान लेने के बारे में सोच रहे हैं तो लाभ मिलेगा। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन, पिकनिक बनाने का प्लान कर रहे हैं। भाई बहन के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। काम की व्यस्तता के कारण जीवन साथी को उचित सहयोग नहीं दे पाएंगे। स्वास्थ्य के मामलों में नींद न पूरी होने की वजह से अनिद्रा की शिकायत परेशानी रहेगी। शुभ तारीख 22 और 24। उपाय, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में रखें, भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। बात कर लेते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों की। भरपूर सहयोग मिलेगा, अधिकारी से भी जूनियर से भी। लंबे समय से रोजगार नौकरी की तलाश में है तो मनचाहा रोजगार मिलेगा। धन आर्थिक स्थिति, निश्चित तौर पर धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी को रोजगार मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उपकरणों के कार्यों में लगातार सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन, प्रतियोगिता की तैयारी में छुटे छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है। साथी के साथ सुखद पल बिताने को मिलेंगे। स्वास्थ्य बेहद तनाव परेशान करेगा, सब थोड़ा भागदौड़ भी रहेगी। शुभ तारीख 23-24। उपाय, भाग पहली रोटी घर में जो बनी गाय को खिलाएं, भाग को मिलते 10 में से 9 अंक। बात करते हैं मीन लग्न मीन राशि वालों की। नौकरी करने वालों के लिए बेहद शुभ सप्ताह। नौकरी चाहत करने वालों को सप्ताह के अंत तक बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति, जहां पैसे अटके हुए थे वापस मिलेंगे, आय के नए साधन खुलेंगे। पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। भूमि भवन वाहन से जुड़े चीजों में लाभ मिलेगा।